नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 365। सासाराम से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज सासाराम में मूल्य शक्ति नामक संगठन के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता निशांत वर्मा का पुतला फूंका। सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहा पर कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता के खिलाफ नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि इन लोगों का कहना है कि पिछले तीनों टीवी चैनल पर एक डिबेट में कांग्रेस नेता निशांत वर्मा ने सम्राट अशोक पर अपमानजनक टिप्पणी की थी तथा उन्हें उनकी तुलना पूर्व शासक औरंगजेब से किया था। इसी के खिलाफ आज मौर्य सेना नामक संगठन के कार्यकर्ताओं ने सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहा पर निशांत वर्मा का पुतला फूंका तथा नारेबाजी भी की। इस प्रदर्शन के नेतृत्व में मौर्य शक्ति के जिला अध्यक्ष रवि मौर्य ने की। कांग्रेस के वरीय नेता निशांत वर्मा जी के द्वारा अखंड भारत के चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान के को अपमानजनक बात हत्यारा कह करके और उन्हें हत्यारा और महान न मानने को लेकर आज मौर्य शक्ति सासाराम नगर इकाई के तत्वाधान में पुतला दहन किया गया। जिस सम्राट ने भारत को सोने की चिड़िया अखंड भारत बनाए, विश्व के चक्रवर्ती सम्राट कहलाए, मानव ही नहीं पशु पक्षियों के लिए जगह जगह तालाब पोखर अस्पताल का निर्माण कराए, ऐसे महान सम्राट अशोक को महान न मानना, हत्यारा कहना, औरंगजेब से तुलना करना, ये काफ़ी हम लोगों को अपमानजनक है। ये राष्ट्रीय अपमान है और हम मौर्य शक्ति के तरफ से मांग करते हैं कि वो निशांत वर्मा अपनी बातों को स्वीकार करते हुए और हम लोगों से माफ़ी मांगो, नहीं तो ये आंदोलन